हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फी डायरी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम निकले हैं ग्रोसरी शॉपिंग। लगभग 2 बजे के करीब हम निकले थे और ये देखिए हम पहुंच गए हैं, पार्क कर दिए और अब हम सीधे अपने टारगेट की तरफ हैं। हम पहुंचे हैं ग्रोसरी शॉप पर, यहाँ मैं एंट्री ली और अब हमने स्टार्ट कर दिया सामान उठाना। देखिए कितनी स्पीड के साथ कितना सारा सामान हम भर रहे हैं। लेकिन साथ साथ हमें ये भी चेक करना ज़रूरी होता है कि आप कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट ले रहे हैं, कितने प्राइस का है और कितना उसकी डेट वगैरह सारा कुछ चेक करना होता है। तो सब कुछ चेक करते करते सारा सामान भरते भरते देखिए हमने पूरी ट्रॉली भर ली है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें रह जाती हैं। फिर हमें इधर फिर दौड़ के हम सामान लेके आए हैं और अब हम बिलिंग करा रहे हैं। बिलिंग हमारी हो चुकी है तो हम काफ़ी थक चुके थे, तो हमने सोचा पहले सामान गाड़ी में रखेंगे उसके बाद कुछ खाते हैं, क्योंकि भूख भी लग गई थी हमें काफ़ी तेज़। तो हमने गाड़ी में सामान रखा और अब हम आ गए हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि पेट पूजा भी बहुत ज़रूरी है। और बाहर आए हों और कुछ खाएं ना तो ये तो फिर अनफेयर सा हो जाता है। वापस से हमें एनर्जी आ गई है तो हमने सोचा क्यों ना दूसरी शॉप में भी एंट्री करके थोड़ा देख लिया जाए कि क्या है। यहाँ पे एक नई शॉप खुली थी अभी कुछ दिन पहले, तो हमने अभी तक उसको नहीं चेक किया था जाकर। तो हम गए और हमने जो है वहाँ पे चेक किया क्या क्या है, तो वहाँ से हमने कुछ कुछ उठा लिया है। ये है मिस्टर DIY। तो अब हम घर पहुँच गए हैं और अब हम सामान को वापस निकाल रहे हैं। सामान को 4-5 बार उलट पलट करना पड़ जाता है, पहले वहाँ बिलिंग कराओ, फिर गाड़ी में डालो, फिर घर पर आके करो। आज हम निकले थे कुछ बैंक के काम से तो हमारा काम जल्दी ख़त्म हो गया है। तो रास्ते में पड़ी एक नर्सरी, तो हमने सोचा क्यों ना आज नर्सरी में भी चलें, क्योंकि हमें लेने थे 2-4 प्लांट्स। देखिए बड़ी ही अच्छी वैरायटी है यहाँ पर, सारे सीजनल प्लांट भी हैं, कुछ ग्रीन प्लांट भी हैं, तो बड़ा ही अच्छा इन्होंने यहाँ पर सब कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है। और ये कितने कलरफुल से डहेलियाज़ हैं, ये छोटे छोटे सीजनल प्लांट्स हैं। बड़ा ही सुकून मिलता है, बड़ा ही अच्छा लगता है जब हम हरे भरे या फिर कलरफुल प्लांट्स देखते हैं। तो हमने सारे में घूम लिया है, लेकिन हमें जो प्लांट्स चाहिए थे वो हमें नहीं मिले हैं। तो हमने कुछ सीड्स और कुछ मैरीगोल्ड्स वगैरह ही लिए थे, ज़्यादा हमने कुछ नहीं लिया था। और ये देखिए छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो इनडोर हैं। काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, काफ़ी वैरायटी है। ये देखिए इन्होंने बोनसाई वगैरह बढ़िया से बनाए हुए हैं, कितनी अच्छे अच्छे तरीके से इन लोगों ने इनको तैयार किया हुआ है। देखने में बड़े ही अच्छे लगते हैं, नॉर्मल सा प्लांट भी अच्छा देखने लगता है जब वो उसको अच्छे तरीके से हम क्रिएटिव तरीके से उसको तैयार करते हैं। तो अगले दिन सुबह ही हस्बैंड ने उन प्लांट्स को गमलों में लगा दिया था जो हम लेके आए थे नर्सरी से। मेरे हस्बैंड को काफ़ी इंटरेस्ट है गार्डनिंग वगैरह में और काफ़ी अच्छा उन्होंने गार्डन मेंटेन किया हुआ है। किस दिन मैं आपके साथ पूरी वीडियो गार्डन की ही बनाकर शेयर करूंगी। तो आज मेरी किट्टी भी थी, तो दोपहर तक अब मेरे काम खत्म करने के बाद मैं पहुंची हूँ किट्टी के लिए। तो हम आए हैं बकोयार, काफ़ी अच्छी जगह है। किट्टी में काफ़ी सारे लोग हैं लेकिन आज काफ़ी कम लोग आए हैं। तो हम पहुंच चुके हैं और देखिए कितना अच्छा यहाँ का एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे किसी की 25th एनिवर्सरी की तैयारियाँ भी चल रही थी। तो ये देखिए कितना अच्छा इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। तो अब हमारी मस्ती स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि जब फ्रेंड्स मिलते हैं तो मस्ती, खाना पीना, ढेर सारी गपशप तो होती ही है। तो देखिए हमने खूब सारा खाया, खूब बातें की और हमने गेम भी खेले, तो काफ़ी अच्छा हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है। फ्रेंड्स के साथ कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो अगली सुबह की शुरुआत हमारी चाय के साथ। और ये देखिए आज का मौसम थोड़ा क्लाउडी सा है, 7:30 बजे के करीब भी ऐसा लग रहा है जैसे अभी सुबह के 5:30-6 ही बजे हैं। तो थोड़ा सा धुंधला सा मौसम था। 26 जनवरी तो आज है ही और बसंत पंचमी भी है, लेकिन आज एक और ख़ास चीज़ है कि इस दिन हम पहली बार मिले थे और यहाँ से हमारी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो उसके बाद हमने घर पे ही फ्लैग होस्टिंग की, मैं बाहर कहीं नहीं गई थी, हस्बैंड गए थे। तो आज हमारा जो है फर्स्ट मीटिंग डे था, तो हमने छोटी सी सेलिब्रेशन की, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं किया। थोड़ा बहुत कुछ हम खाने पीने के लिए बाहर से ले आए थे पैक कराकर, और हमने थोड़ा सा एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। यही छोटी छोटी खुशियां हैं जो लाइफ को अच्छा और सुंदर बनाती हैं।
तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में इंसान को काफ़ी खुशी होती है, और इंसान को अपनी फैमिली के साथ ज़रूर ही टाइम स्पेंड करना चाहिए, और ये छोटी छोटी खुशियों को ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि लाइफ इसी से सुंदर बनती है। तो हमने काफ़ी अच्छा दिन स्पेंड किया है आज का। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।